हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबों को गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह सुबह चंदू इलेक्ट्रीशियन जो हमारे लाइट्स वगैरह सब कुछ फिट किए हैं घर पे, उसको भेजा है अभी दुकान में एक इन्वर्टर रखा हुआ है, उसको लेने भेजे हैं। वो इन्वर्टर यहाँ पर सेट करवाना है। और अभी हम लोग पुराने घर पर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। होली है कल के डेट पर, आज 24 तारीख है जहाँ पर ब्लॉग बन रहा है, लेकिन हम लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ नए वाले घर पे काम पड़ जा रहा है। अभी जैसे इन्वर्टर वगैरह लगाना है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह ऑन रहेगा। इन्वर्टर नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, लाइट कटता है तो सीसीटीवी बंद हो जाएगा। तो इन्वर्टर लगवा दे रहे हैं आज, तो सीसीटीवी क्या होगा, वो हमेशा चलता रहेगा लाइव, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं अब घर हम लोग कब जाएं। मम्मी पापा ये लोग तो आज जाने वाले हैं, कल ही पिछला ब्लॉग पे जाने वाले थे, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर कैंसिल हो गया था। फिर शायद आज चले जाएं और हम और ज्योति आज रहेंगे, यहीं पर आना ही पड़ेगा। फिर देखते हैं कैसे जाएं ना जाएं, और शाम शाम में आएंगे। हाँ, घर्स कैसे बंद करके जाएंगे त्योहार के दिन, अच्छा नहीं लगता ना। और वैसे अगर हम चल भी जाएं हम लोग तो हम आएंगे, हम रात में आएंगे, रात में यहीं पे रहेंगे, क्योंकि घर अभी छोड़ नहीं सकते हैं। रहेंगे हेमंत लेके, बहुत सारे लोग दोस्त लोग को लेकर आएंगे और रात में यहीं पे रहेंगे। तो यहीं कुछ प्लानिंग है। अभी चंदू आ रहा है, इन्वर्टर फिट करवाते हैं, और बाकी सारा काम अभी ब्रेक हो गया, अब होली के बाद होगा सब काम। सारा मिस्त्री वगैरह चला गया अपना अपना घर होली मनाने के लिए। फर्नीचर का काम पूरा बंद हो गया, सोफा का काम बंद हो गया, अब सब होगा होली के बाद। मतलब 3 दिनों के लिए अभी काम ब्रेक, उसके बाद फिर कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, अभी हम व्लॉग बना रहे हैं तो वो शांति से बैठा है, नहीं तो तब से भाव 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 कर रहा था। देखिए अभी बैठा हुआ है। अभी हम जैसे व्लॉग बनाना बंद कर देंगे ना, मतलब कुछ बोलना बंद कर देंगे, वो भौंकना शुरू कर देगा। वो समझ गया है कि अभी वीडियो बना रहा है, अभी देगा हमको अगर हम हल्ला किए तो। तो अभी चंदू इलेक्ट्रिशियन हमारे आ गए हैं, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर ये इन्वर्टर अभी फिट होगा। इन्वर्टर का देखिए कनेक्शन तो यहीं से करवाना था, लेकिन अभी बोले अंदर करवा देने, क्योंकि इसमें अभी ग्रिल वगैरह आज ही लगने वाला है, ठीक है। तो इन्वर्टर अभी लगवा रहे हैं हॉल के अंदर में। हॉल के अंदर में भी ऐसा कोई अच्छा जगह नहीं लग रहा था, इसीलिए पूजा घर के जस्ट बगल में है, ये देख सकते हो, यहाँ पे लगवा रहे हैं। अभी फिलहाल टेम्पोररी लगवा रहे हैं, ये सब पूरा फिक्स करना होगा। और अभी सिंगल बैटरी वाला लगवा रहे हैं, फिर इसको 4 बैटरी के साथ लगाना होगा। और आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा है कि ये पूजा घर यहाँ पे है, फिर यहीं पे आप लोग बैठ रहे हो, यहीं पे खाना खा रहे हो। तो आप लोगों मैंने बार बार बोला है ना कि ये पार्टीशन होने वाला है, अभी काम बाकी है तो क्या ही कर सकते। ये पूजा घर पूरा अलग हो जाएगा, यहाँ से एक डिवाइडर आ जाएगा इतना दूर तक, फिर ये पूरा अलग हो जाएगा, फिर पूजा घर से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी तो काम चलाने के लिए करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। फिर ये इन्वर्टर फिट हो जाएगा तो कैमरा लाइव चलेगा 24 घंटा, ना गोलू? हाँ। गुड मॉर्निंग गोलू। हाँ, घर बैठे मोबाइल पे देख सकते हैं, घर बैठे मोबाइल पे लाइव हम देख सकते हैं सारे एक्टिविटी। सो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा था कि स्मार्ट बोर्ड लगने वाला था, तो ये देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड यहाँ पे लग के पूरा फाइनल हो चुका है। और ये टच करने से सारा कंट्रोल होता है। जैसे अभी देखिए कि लाइट जल रहा है ऊपर, उसको जैसे ही यहाँ पर टच कर देंगे ये ऑफ हो जाएगा, फिर उसको टच करेंगे ऑन हो जाएगा। एसी का देखिए सिंबल बना हुआ है, एसी अगर चलाना होगा तो एसी अभी लगने वाला है, लगा नहीं। उसके बाद देखिए इसको चला दी, देखिए ये लाइट जल रही है, इस स्विच में फिर देखो ऊपर का सीलिंग वाला लाइट, ये भी सीलिंग वाला लाइट है, ये भी कुछ है, ठीक है। सब में अभी स्विच में कुछ ना कुछ लाइट्स वगैरह है, तो ये इस तरह देखिए सारा ऑफ हो गया। अब ये चीज सिर्फ टच यहाँ पे नहीं, और भी बेस्ट चीज ये है कि आप अपने फोन से सारा कंट्रोल कर सकते हो, लाइट्स फैन वगैरह सब कुछ। फैन कर गए ना, फैन का ये है, फैन ऑन हो गया, फैन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से और बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, ऐसा स्पीड बढ़ा सकते हैं, इससे ऑफ हो जाएगा। अभी देखिए अब मैं अपने फोन से आप लोगों को कंट्रोल करके दिखाता हूँ, दूसरे फोन से शूट करूंगा। उस वाले फोन पे एक एप्लीकेशन आता है JR Home, तो वो सारा कंट्रोल फोन से ही हो जाता है। अभी चलिए पूरे घर को स्मार्ट बना दिए हैं, अभी हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को फोन से कैसे होता है, ठीक है। तो फोन में दोस्तों एक एप्लीकेशन है इसका, ये देख सकते हो JR Home, यहाँ पे गया और यहाँ पे दो बोर्ड है, ठीक है, दो बोर्ड अभी लगा हुआ है। तो ये वाला, ये फर्स्ट वाला है यहाँ का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं ऑन दबा दूंगा सारा ऑन हो गया, ये देखिए अभी फैन वगैरह देखिए सब ऑन हो चुका है, वाइट में करके लेना ना सब आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऑफ प्रेस कर दूंगा, एक बार में सब बंद हो जाएगा, ये सब बंद हो गया। अब फिर से ऑन दबा दिया, सारा ऑन हो गया। अब मान लीजिए एक एक करके बंद करना है, तो फैन का देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फैन का है, फैन का स्पीड भी घटा बढ़ा सकते हैं, ये देखिए। उसी तरह से सारा स्विच का अलग अलग देखिए फंक्शन है, स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच 4 दबा दिए लाइट ऑफ हो गया, स्विच 3 का लाइट ऑफ हो गया, स्विच 5 का लाइट ऑफ हो गया, स्विच 5 में देखिए ये लाइट है, यहाँ स्विच 5 दबा देखिए चल गया, फिर यहाँ पर दबा देंगे ऑफ हो गया। तो ये मस्त चीज है, आप फोन से अपने पूरे रूम को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा रूम हमारा स्मार्ट कंट्रोल बन चुका है। वो वाला बोर्ड का भी एक बोर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये 2 वाला। अब यहाँ से देखिए ऑफ करेंगे ना, सारा ऑफ हो जाएगा वहाँ का फंक्शन, देखिए ये देखिए टोटली ऑफ, फिर ऑन कर देंगे सारा ऑन हो जाएगा, ये देखिए। तो मस्त एकदम ये चीज है, पूरा घर हम लोग स्मार्ट हो चुका है,
कहीं उठ के जाने की जरूरत नहीं, आप अपने फोन से सारा कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें एलेक्सा भी है, अभी फिट नहीं किया है, ऐसे कमांड से भी कर सकते हैं। एलेक्सा टर्न ऑन फैन, फैन ऑन हो जाएगा। एलेक्सा टर्न ऑफ लाइट्स, लाइट ऑफ हो जाएगा। तो कमांड के साथ भी कर सकते हैं, वो किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे दिखाएंगे, अभी वो किए नहीं है, सारा सेटिंग वेटिंग करना पड़ेगा। जब इन्वर्टर आ गया, देखिए मस्त हो गया ना, इन्वर्टर नहीं पीसी मंगवाए हैं सीनू से। सो गाइस फाइनली हमारा पीसी आ चुका है, सेट भी हो चुका है। देखिए कहाँ जुगाड़ लगाए, टीवी यूनिट जो हमारे रूम पे लगा हुआ है अभी वहीं पे काम चलाने के लिए लगाना पड़ रहा है, पूरा ये लोग सेट कर रहे हैं। फिर अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि इसमें वाईफाई नहीं। अच्छा, हमारा वाईफाई लाने भेजे हैं सीनो, एक छोटा सा कीट आता है। अच्छा, इसका अलग से आता है क्या? अच्छा तो चलिए अब काम ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे भी ये शूट कर सकते हैं, एडिट भी यहीं पे हो जाएगा, टेंशन फ्री। क्या और नहाएगा कब? इतना धूप दे रहा है, इतना तुम गंदा कर रहा है। इंदुर पचा, देखिए कपड़ा उपड़ा सब ला के रख दिए, लेकिन ये आदमी को नहाना नहीं है। छोड़ दो, करेंट उरेंट मार देगा। क्या करे फोन तुम? इससे भी इंटरनेट दे सकते थे, लेकिन डेटा केबल ही नहीं, ऐसा वाला डेटा केबल चाहिए जो ऐसा रहे। इधर लगे तेरा में भी टाइप सी है, टाइप सी का पोर्ट नहीं है। टाइप बी है क्या? इसको यूएसबी बोलते हैं, नॉट टाइप। ओह, तो हमको लगा उधर छोटा वाला ठोको बोल रहे हैं, उतना तो हमको भी पता है। सो हे एवरीवन, अभी शाम का टाइम हो चुका है और देख सकते हो यहाँ पर ग्रिल लगना शुरू हो गया है। वो जो बेडरूम का बड़ा वाला खिड़की है उसमें लोहा का ग्रिल लग रहा है, यहाँ पर गेट भी लग गया, तो चारों तरफ से अब हो गया सेफ्टी एकदम ठीक है, चारों तरफ से हो गया पैक। और मम्मी गई है मोटा को घुमाने, ये देखिए तो मम्मी एकदम उतना दूर मोटा को लेकर चल गई है। मम्मी हमेशा ऐसे पूरा सोसाइटी में घूमती रहती है शाम के टाइम में, और मम्मी के साथ काफ़ी सारे जो लेडीज़ लोग हैं उन लोगों का दोस्ती भी हो गया है, तो उधर चली जाती है कभी कभी, इधर चल जाती है। पूरा सोसाइटी में घूमने में एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि शाम के टाइम में ऑलमोस्ट सब कोई निकलते हैं अपने घर से यहाँ पर निकलने के लिए, घूमने के लिए। तो बस मम्मी अभी मोटा को घुमा रही है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कैसा काम हो रहा है, सही से ग्रिल लग रहा है या नहीं, क्योंकि देखना भी पड़ता है थोड़ा बहुत, नहीं तो मिस्त्री लोग तो समझ ही रहे हो जैसा तैसा लगा के फिट करके चल जाएगा। तो वो देख रहे हैं सीधा लगा रहा है कि नहीं, कहीं ऊपर नीचे ना कर दे, फिर देखने में ख़राब लगेगा। और ये ग्रिल का डिज़ाइन आप लोग बताना कैसा है, देखिए कुछ इस तरीके का है डिज़ाइन। पूरा जब फिट हो जाएगा फिर आप लोग हम दिखाते हैं, ठीक है? अभी थोड़ा उसको काम होने देते हैं, लगने देते हैं, अभी लग रहा है वहाँ पे।